स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फूड जोन बाय अक्की में। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे मैंने कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी घी ली है और इतना ही मेरा सूजी है। जितना घी उतना सूजी अगर बराबर रखो तो हलवा बहुत अच्छा बनता है। अब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें सूजी को भूनेंगे। ठंड के मौसम में गरम गरम हलवा खाने का अपना ही मजा होता है। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मुझे इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने एक कप सूजी लिया है, एक बाउल। इसको हम इसमें डाल लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे से, जब तक कि हमारी सूजी अच्छे से भून के लाल नहीं हो जाती। इसको हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर हम बीच में रुक जाएंगे तो सूजी हमारी नीचे से जलने लगेगी, इसलिए हमें लगातार इसे चलाते रहना है। धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है, इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये अच्छे से गोल्डन हो रहा है, इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से दाने दाने उसके अलग अलग होके हलवे बने। एक साथ डाल देने से ये अच्छे से इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से दाने दाने अलग अलग दिख रहे हैं इसके। इसमें हम एक बार और ऐसे ही थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ा सा भून लेंगे। इसको जितना अच्छे से भूनेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। इसमें पानी डालेंगे। हमारी एक बाउल सूजी थी तो लगभग 2 बाउल के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको पानी सूखने तक पकने देंगे। इसी के साथ में 1 बाउल के करीब मैंने चीनी ली है, इसको इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पीस के रखी थी, वो डाल देंगे 1/4 चम्मच। और थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा बादाम कट करके मैंने रखा था, उसको भी इसमें। हलवा हमारा बन चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे।